हाँ अरे हाँ, अरे हाँ यार, आप फोन रखो। हाँ मैं लगा था आपको बाद में, आप फोन रखो। क्या हुआ, किससे इतने गुस्से से बात कर रहा है यार? ये पापा भी ना हमेशा का है यार। हुआ क्या? लेकिन हमेशा कॉल करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। कहाँ पे है, किसके साथ है, कौन से दोस्तों के साथ है, इन लोगों के साथ मत रहना, उन लोगों के साथ मत रहना, ऐसा वैसा सब छोटे बच्चे की तरह पूछते रहते मुझसे। अबे भाई, छोटा बच्चा हूँ क्या? इतने क्वेश्चंस, हमेशा यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, उन दोस्तों के साथ मत रहना, इसके साथ मत मिलना, जल्दी घर पे वापस आ जाना, रात को जल्दी घर आ जाना, बाहर का मत खाना, दोस्तों के साथ गाड़ी पे स्पीड में मत घूमना। भाई इतना कोई पूछता क्या अपने बच्चों को? इतने रिस्ट्रिक्शंस, परेशान हो गया यार मैं सच में। और भाई हर छोटी मोटी चीज़ समझानी पड़ती, ये खराब हो गया, ये कैसे होता, वो कैसे होता, इसका ये हो गया, मेरे काम कब करूं भाई मैं? हाँ क्या, किसका है? दोस्त का कॉल। हेलो, हाँ 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 ठीक है ना भाई। हाँ हाँ, अरे जैसा तू बोले भाई। अरे हाँ यार, आप फोन रखो। हाँ 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 ठीक है ना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बाय भाई, ध्यान रखना अपना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हाँ यार, आप फोन रखो। भाई तू ही बोल, अब मैं क्या करूँ पापा का? भाई एक मेरा फ्रेंड था, उसके पापा की जब वो छोटा था ना तभी डेथ हो गई थी। किसी के भी पापा को डांटते हुए देखता था ना उनके बच्चों को, तो बहुत रोता था। हम पूछते थे कि भाई डांट उसको रहे, तू क्यों रो रहा? वो बोलता था कि काश काश मुझे भी ऐसी डांट पड़ती। वो तड़पता था उस डांट के लिए जिससे तू परेशान है। वो मरे जाता था उन सवालों के लिए जिसके लिए तू चिढ़ रहा है। वो रोते हुए कहता था हमसे कि क्या गलती कर दी मैंने भगवान, जो दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद आपने मुझसे छीन लिया। जो ये तुझे परेशानी लग रही है ना, हर किसी को नसीब में नहीं होती। लोग तड़पते हैं इस परेशानी को पाने के लिए, नहीं मिलती फिर भी हर किसी को। जिस तरह तूने ये दोस्त से बात की ना, हाँ हाँ अरे जैसा तू बोले भाई, अगर उसी तरह अपने पापा से भी बात करता था ना, बेहद खुशी होती थी उन्हें। हाँ यार, हाँ, फोन रखो। वो इसलिए तुझे इन दोस्तों के साथ मत घूम, यहाँ वहाँ मत घूम कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये दुनिया कैसी है, देखी है उन्होंने, वो भी कभी तेरी उम्र के थे। उन्हें पता है कौन असली दोस्त होता है और कौन नहीं। और तू जो ये दोस्तों के लिए उनसे नाराज हो रहा है ना, कभी जरूरत पड़ने पर दोनों को फोन लगा के देखना, देखना कौन आता सबसे पहले। पर हर छोटी मोटी चीज समझानी पड़ती। तेरा काम कब करेगा ऐसा बोला था ना तूने? मेरे काम कब करूं भाई मैं? जब तू छोटा था ना, छोटी से छोटी चीज समझाई तुझे, वो भी अपना काम छोड़कर। उन्हें चिंता है तेरी। आखिर में यही बोलूंगा भाई कि दोस्त गवा देना चाहिए, प्यार गवा देना चाहिए, पैसा छोड़ाना चाहिए, पर पापा की खुशी के लिए तो ऊपर वाले से भी लड़ जाना चाहिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार।